दोस्तों वो कौन से डिसीजंस हैं जो आपको अर्ली ट्वेंटीज में ले लेने चाहिए ताकि भविष्य में आपको सफलता आसानी से मिल सके। अर्ली ट्वेंटीज यानी कि 20 से 25, 26 साल के बीच में अगर आप हैं या फिर 20 से पहले भी हैं, तो इन पॉइंट्स को मैं आज आपको 20 पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, फटाफट बताऊँगा और फटाफट समझाता जाऊँगा। मेरा नाम है एस के सिंह और आप देख रहे हैं एडुटॉक इंडिया। चलिए बिना देर किए हम इन 20 पॉइंट्स को एक एक करके देखते हैं। पहला है अंडरस्टैंड यू हैव टाइम। हमेशा याद रखिएगा, अगर आप अर्ली ट्वेंटीज में हैं तो आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए, काम करने के लिए, काम सीखने के लिए, क्रिएटिविटी लाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है। दूसरा, मीट लॉट्स ऑफ पीपल एंड नेटवर्क। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलिए और अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करिए। तीसरा, ट्राई न्यू थिंग्स एंड हॉबीज। चूंकि आपके पास पहला वाला पॉइंट है, आपके पास समय है, तो ऑब्वियस ही बात है नई नई चीज़ों को आपको ट्राई करना चाहिए और हॉबीज पर आपको काम करना चाहिए। चौथा पॉइंट है, यानी कि फोर्थ पॉइंट है, बी पेशेंट एंड डोंट स्ट्रेस। धैर्य बनाए रखिए और टेंशन ज़्यादा मत लीजिए। फिफ्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, लर्न एज मच एज यू कैन। जितना सीख सकते हैं, जिससे सीख सकते हैं, जहाँ से सीख सकते हैं, सीखिए। जितना सीखेगा उतना स्ट्रांग आप बनिएगा। सिक्स पॉइंट, बिल्ड रिलेवेंट स्किल सेट्स। हर इंसान की अपनी अपनी खासियत होती है, उस खासियत के बेस पर अपने स्किल्स को लगातार बिल्ड करते रहिए या डेवलप करते रहिए, ये आपको काम आएगा। सेवन पॉइंट, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। हमेशा वो काम मत करिए जिसमें आपको बड़ा आराम मिलता हो, या फिर अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर निकल करके कोशिश करिए कि अपने आप को टेस्ट करिए, तभी आपकी जो कैपेसिटी है उसके बारे में आपको पता चलेगी। आठवां पॉइंट है, मेक कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट्स। आज जो हैं वो आप बीते हुए कल से बेहतर हैं और जो आने वाला कल होगा वो आज से बेहतर होगा। हमेशा इस पर आप फोकस करिए और कोशिश करिए कि अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते रहें। नाइन्थ पॉइंट है, लर्न अबाउट योर सेल्फ। खुद के बारे में जानना, सीखना, पढ़ना बिल्कुल मत छोड़िए। दिन में कोई एक ऐसा समय रखिए, चाहे वो 5 मिनट हो, चाहे वो 25 मिनट हो, लेकिन कोशिश कीजिए कि अपने बारे में सेल्फ असेसमेंट ज़रूर करें। आपने क्या किया, कैसे किया, आपके डिसीजन कैसे थे या आप क्या करने वाले हैं, अपने आप को जानने की ज़रूर से कोशिश करिए। टेंथ पॉइंट, डिस्कवर वॉट यू आर गुड एट। हमेशा कोशिश कीजिए जानने की कि आप में अच्छी बात क्या है या फिर आप किस चीज़ में अच्छे हैं। आप पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं, आप आर्ट में अच्छे हैं, कल्चर में अच्छे हैं, साइंटिफिक चीज़ों में अच्छे हैं, टेक्निकल चीज़ों में अच्छे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 11th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, बिल्ड गुड हैबिट्स एंड रूटीन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सक्सेस अगर पाना है तो आपको अपने हैबिट्स जो है वो अच्छे रखने होंगे और रूटीन को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। 12th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, फेल फास्ट, फेल अर्ली, फेल ऑफन। यानी कि फेल होना बुरी बात नहीं है, कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी फेल हुई है ये और अक्सर फेल हुई है, इसका मतलब ये होता है कि आप लगातार प्रयास कर रहे हैं और बार बार प्रयास कर रहे हैं। और जल्दी जल्दी कहने का मतलब ये है कि आप हार नहीं मान रहे हैं, अपने फेल्योर से भी आप लगातार उसको पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 13th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, डोंट लेट ओपिनियंस होल्ड यू बैक। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या ओपिनियन रखते हैं, क्या बोलते हैं, इसके पीछे दिमाग मत लगाइए और अपने आप को उस कारण से रोकिए मत, आगे बढ़ते जाइए। 14th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, पुट इन द वर्क। अपने आप को हमेशा एंगेज रखिए, हमेशा काम में लगाए रखिए, वो आपको जो एंगेजमेंट है वो आपको हमेशा रिटर्न देता है इन टर्म्स ऑफ सक्सेस। 15th पॉइंट, मैनेज योर मनी वेल। जब आप कमाते हैं तो पैसे को सही ढंग से मैनेज करना सीखिए, ये भी एक सफल होने का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 16th, ट्रैवल एज मच एज पॉसिबल। ये तो बहुत मज़ेदार चीज़ है कि जितना हो सके ट्रैवल करिए, क्योंकि जितना आप ट्रैवल करेंगे, नए लोगों से मिलेंगे, नई जगह देखेंगे, नई जानकारी मिलेगी और आपके पास में नए नए इन्फॉर्मेशंस आएंगे, तो आप उतना ही स्ट्रांग महसूस करेंगे अपने आप को। 17th पॉइंट, डिफाइन सक्सेस फॉर योर सेल्फ। ध्यान रखिएगा, सफलता हर किसी के लिए अलग अलग
होती है। हर कोई अलग अलग डेफिनेशन सफलता का देता है। आपके लिए सफलता का क्या मीनिंग है आपको डिफाइन करना ज़रूरी है। 18th पॉइंट, इफ़ यू आर वर्किंग, वर्क टू लर्न। अक्सर आज के यूथ जो है वो वर्क टू अर्न यानी कि काम करती है कमाने के लिए, ये गलत है। आप कोशिश करिए, काम इसलिए करिए ताकि आप सीख सकें, क्योंकि आप जब सीखेंगे तो पैसा अपने आप जो है वो आपके पास में आएगा। 19th पॉइंट है, आपने देखा होगा दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, बिलियनियर्स लोग हैं, उनको ये एक हैबिट होती है किताब पढ़ने की। तो आपका 19th पॉइंट भी उसी से रिलेटेड है, इंडल्ज इन बुक्स, किताबों में अपने आप को एंगेज कीजिए, किताबें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। और 20th पॉइंट है, फॉलो योर मेंटर्स। हमेशा आपके लाइफ में कोई ना कोई मेंटर होता है, आपके माँ बाप हो सकते हैं, टीचर हो सकता है, दोस्त हो सकता है, बड़ा भाई बहन हो सकता है, कोई भी हो सकते हैं, अपने मेंटर को फॉलो करिए। उम्मीद करता हूँ कि ये 20 पॉइंट जो है वो आप या तो फॉलो करते होंगे या करना चाहते होंगे। तो आज ही इन 20 पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, और अगर मेरी बातें आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ साथ में दोस्तों को शेयर करके और एक बार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।